विशाल पटेल के साथ खबर सनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं सीतापुर से और देखते हैं बड़ी खबर। सीतापुर पिसामा पुलिस की लापरवाही आई सामने। एक सप्ताह पूर्व में लाता हुए बच्चे को नहीं दर्ज किया गुमशुदगी की रिपोर्ट। नवागत एसपी ने लिया मीडिया की खबरों का संज्ञान, कब्र से खोद कर कराया बच्चे का पीएम। आपको बताते चले पूरा मामला सीतापुर के पिसामा थाना क्षेत्र के खजुन्ना गांव का है, जहां 2 दिसंबर से लापता 5 वर्षीय बच्चे का शव रविवार को तालाब से बरामद हुआ, जिस पर परिजनों द्वारा तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की। इस घटना पर नवागत पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान में लेकर बच्चे के शव को कब्र से खोदकर पीएम के लिए निर्देशित किया गया। क्या पूरा मामला है बताइए। ये थाना पिसावा की घटना है। ये 2 तारीख को खजुन्ना ग्राम में रमेश का 5 वर्षीय बालक जो है गुम हो गया, और उसकी 9 तारीख को जो है गांव के पास में एक तालाब है, उसमें उसकी डेड बॉडी मिली है, और उसने उसकी तहरीर पर जो है उन्हें अपने ही एक चचेरे भाई और एक ताऊ जी के लड़के के ऊपर उसने आरोप लगाया है कि उसे शक है कि इन लोगों ने उस बच्चे को पुरानी रंजिश की वजह से मार करके तालाब में डाल दिया था। उसके इस शरीर पर जो है थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आज जो है चूँकि उसमें उसकी डेड बॉडी कल उसका पंचायतनामा नहीं हो पाया था, पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाई, उन्होंने उसको दफना दिया था। आज मजिस्ट्रेट साहब नायब तहसीलदार की उपस्थिति में जो है उसको बॉडी को उसको खुदवा करके उसका जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो है और उस जो उन्होंने 2 लोगों पर जो आरोप किया है उनके संबंध में साक्ष्य संकलित करते हुए फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भाई परिजनों का आरोप है कि एक हफ्ते पहले तहरीर दी गई थी थाने पर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इस बारे में जो है उसने बताया है, इस बारे में जाँच कर रहा हूँ, और इसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।